हाय गाइस, वेलकम टू द लर्न गिटार इन 30 डेज कोर्स फॉर बिगिनर्स। आज का जो लेसन होएगा उसमें हम सीखेंगे कि एक गिटार जो होता है वो साउंड किस तरह से प्रोड्यूस करता है, बोथ अकूस्टिक गिटार एज वेल एज द इलेक्ट्रिक गिटार। तो जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने पूरा समझाया था कि एक गिटार के पार्ट्स क्या होते हैं अकूस्टिक और इलेक्ट्रिक गिटार के। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको पहले देख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होए, फेमिलियरिटी होए कि पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सीखते हैं कि गिटार में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा बेसिक जो बेसिक फंडा है कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है, एंड बाद में जाके हम थोड़ी सी स्पेसिफिक डिटेल्स पे जाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे अकूस्टिक गिटार से। अकूस्टिक गिटार, जैसा कि आपने देखा कि इसका जो बॉडी होती है, जो साउंड बॉक्स होता है, वो अंदर से हॉलो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक होल है और अंदर पूरा हॉलो है। ये फैक्टर डिसाइड करता है कि साउंड कैसे आएगी। अब वो कैसे होता है कि जो हमारी स्ट्रिंग होती है, बेसिकली हम स्ट्रिंग को मूव करते हैं, जब हम प्ले करते हैं तो स्ट्रिंग वाइब्रेट करनी शुरू कर देती है। ठीक है, अब ये जब स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है तो उसके कारण जो सैडल होता है जिसके ऊपर स्ट्रिंग्स रेस्ट करती हैं, सैडल भी जरा सा वाइब्रेट करने लग जाएगा। सैडल की वाइब्रेशन से जो ब्रिज होता है, ब्रिज जरा सा वाइब्रेट करने लग जाएगा। इनफैक्ट आप चाहें तो आप अपनी एक फिंगर को ब्रिज पे लगा के रखें और अपनी स्ट्रिंग को, कोई भी स्ट्रिंग को प्ले कर लें, तो आपको अपनी फिंगर में वाइब्रेशन फील होंगी। ठीक है, तो स्ट्रिंग की वाइब्रेशन से सैडल वाइब्रेट होता है, सैडल की वाइब्रेशन से ब्रिज वाइब्रेट होता है, और ब्रिज की वाइब्रेशन से जो साउंड प्लेट है, ये ऊपर की प्लेट होती है, ये ऐसे वाइब्रेट करने लग जाती है। ठीक है, तो आप अगेन इसको भी चेक कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग प्ले करें और अपनी फिंगर से आप फील करेंगे कि थोड़ी सी वाइब्रेशन हो रही है। ठीक है, तो इस साउंड प्लेट की मूवमेंट से क्या होता है कि क्योंकि गिटार अंदर से हॉलो है, ठीक है, अंदर पूरा खाली है, तो अंदर हवा होती है, एयर होती है, वो एयर साउंड प्लेट के कारण एयर स्टार्ट्स वाइब्रेट। ठीक है, वो एयर अंदर से वाइब्रेट करती है, वो पूरा ऐसे वाइब्रेट करके यहां से निकलती है, फिर जब वो यहां से निकलती है, दैट इज व्हेन द साउंड गेट्स प्रोड्यूस। ठीक है, सो दैट्स वेरी सिंपल। इनफैक्ट जो विसल होती है, सीटी विसल का फंडा भी ये होता है कि जो एयर होती है उसमें अंदर एक गीटी सी होती है, गीटी के कारण एयर जो होती है वो वाइब्रेट करती है, एंड देन इट कम्स आउट एंड इट प्रोड्यूसेस दैट साउंड। ठीक है, तो अकूस्टिक गिटार जो है, अकूस्टिक गिटार भी सेम फंडा है कि स्ट्रिंग की वाइब्रेशन से ये सारे पार्ट्स वाइब्रेट करते हैं, तो हमारी जो साउंड प्लेट होती है ये वाइब्रेट करती है, फिर अंदर की हवा जो वाइब्रेट होती है वो पूरी घूम के फिर जब बाहर निकलती है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। अब इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें मैटर करते हैं कि जैसे जो ये अकूस्टिक गिटार होता है, इसका ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं अप अबाउट, इसको बोलते हैं लो अबाउट, और इसको बोलते हैं वेस्ट पाउट। अब बेसिकली इनसे क्या होता है, ये जो अप अबाउट होता है इससे आपका जो ट्रेबल साउंड होता है वो इम्पैक्ट होता है, जो लो अबाउट होता है इससे आपका बेस साउंड इम्पैक्ट होता है, और आपका जो वेस्ट बाउट होता है इससे आपकी जो मिड साउंड होती हैं वो इम्पैक्ट होती हैं। तो जैसे ये गिटार है, इसमें ये काफ़ी बड़ा है तो इसका बेस काफ़ी अच्छा होएगा, बिकॉज इसका लो अबाउट इज बिगर, राइट, मतलब काफ़ी बड़ा है, काफ़ी थिक है। तो ये तो हो गया कि अकूस्टिक गिटार किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, सो अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक गिटार में। इलेक्ट्रिक गिटार, जैसा कि मैंने आपको पार्ट्स ऑफ गिटार में भी बताया था कि एक सॉलिड पीस ऑफ वुड होता है, इसमें कुछ हॉलो नहीं होता, सो इसमें कुछ एयर वाली बात नहीं है, इसमें कुछ अंदर एयर नहीं है जो वाइब्रेट करके निकलती है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें पिकअप्स होती हैं। अब ये पिकअप्स जो होती हैं, ये पिकअप्स बेसिकली इनमें कॉयल्स होते हैं, एक बहुत ही थिन वायर होती है जो आपके बाल से भी पतली होती है, और उसके कुछ 7200 कॉयल्स होते हैं। ठीक है, मतलब एक वायर को 7200 बारी उन्होंने ऐसे रैप किया होता है उस पीस के अराउंड। तो हमने आई थिंक 9th 10th में पढ़ा भी था कि जो एक मेटल पीस में अगर आप कॉयल कर देंगे तो उससे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि पिकअप जो होती है, पिकअप से एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दोज कॉयल्स जो मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं। तो व्हाट हैपेंस इज, जब आप अपनी स्ट्रिंग प्ले करते हैं तो स्ट्रिंग की वाइब्रेशन से वो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होती है, एंड देन पिकअप्स उस मैग्नेटिक फील्ड को ब्रेक, जो ब्रेक हो रही है डिस्टर्बेंस को, इट कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जो डिस्टर्बेंस है इन द मैग्नेटिक फील्ड, द पिकअप कन्वर्ट्स दैट डिस्टर्बेंस और उसको इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करके उसको एम्पलीफायर में भेजता है, और उससे फिर साउंड प्रोड्यूस होती है। सो दैट इज अबाउट द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक गिटार, कि बेसिकली फिजिक्स क्या है कि हमारी साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है। ओके, सो हमने भी बेसिकली सीखा कि जो बेसिक फिजिक्स है कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी कॉर्ड्स वगैरह हैं, या एक ही स्ट्रिंग में हमारी मल्टीपल साउंड कैसे आ रही है। तो बेसिकली जो साउंड होता है ना, साउंड इज नथिंग बट अ फैक्टर ऑफ कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट किस स्पीड से हो रही है। तो आपकी जो थिकर स्ट्रिंग्स होती हैं, जो मोटी स्ट्रिंग्स होती हैं, वो स्लोली वाइब्रेट होती हैं, और जो आपकी थिन स्ट्रिंग्स होती हैं वो जल्दी वाइब्रेट होती हैं। सो बेसिकली सिंपल सा फंडा ये है कि आपका वाइब्रेशन स्लो हो रही है कि तेज हो रही है। पतली स्ट्रिंग होगी वो तेज वाइब्रेट होगी, मोटी स्ट्रिंग स्लो वाइब्रेट होगी। ठीक है, तो ये हमारा बेस कॉन्सेप्ट है।
तो हम राइट हैंड से क्या करते हैं, हम राइट हैंड से डिसाइड करते हैं कि हमारे को कौन सी स्ट्रिंग प्ले करनी है. तो उससे हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे को वाइब्रेशन स्लो रखना है कि तेज रखना है. अगर हमारे को तेज रखना है तो हम पतली स्ट्रिंग बजाएंगे, अगर हमारे को स्लो रखना है तो हम मोटी स्ट्रिंग बजाएंगे. अगर मैं ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करूं, ठीक है, ये हमारा राइट हैंड हो गया. लेफ्ट हैंड से हम क्या इंपैक्ट करते हैं कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. अब अगर आप ये गिटार को देखेंगे तो गिटार में ये पार्ट नट था, ठीक है, और ये पार्ट हमारा सैडल है. तो इस स्ट्रिंग में, कोई भी स्ट्रिंग में, ये जो पार्ट है, जो हेडस्टॉक में पार्ट है, वो वाइब्रेट नहीं कर रहा. ये जो सैडल के आगे का पार्ट है वो वाइब्रेट नहीं कर रहा. सिर्फ इस नट से लेके सैडल के बीच की जो लेंथ होती है सिर्फ वो वाइब्रेट करती है. तो हमारा नट और हमारा सैडल जो होता है, इनका पर्पस ये भी होता है कि ये सिर्फ ये डिफाइन करते हैं कि कितनी लेंथ वाइब्रेट कर रही है. अब अगर मान लीजिए हम ये सबसे पतली वाली तार लेते हैं तो ये हमारी इतनी लेंथ वाइब्रेट कर रही है अभी, ठीक है, वाइब्रेट कर रही है. अब अगर हम इसको कहीं आगे प्ले करेंगे, मान लीजिए मैंने यहां पे इस चौथे फ्रेट पे मैंने प्रेस करके प्ले करा, तो असेंशियली क्या हो रहा है कि मेरी जो वाइब्रेटिंग लेंथ है वो छोटी हो गई, क्योंकि पहले इतनी लेंथ थी. अब मैंने इसको यहां पे प्रेस करा तो ये जो हमारी फ्रेट होता है, जो मेटल पीस होता है, मेटल पीस एक तरह से इट एक्ट्स लाइक अ नट, ठीक है. तो मैंने यहां पे प्रेस करा तो ये जो मेटल पीस है ये एक तरह से नट की तरह एक्ट कर रहा है. तो अब जो लेंथ वाइब्रेट करेगी स्प्रिंग की वो सिर्फ इस फ्रेट से लेके इस ब्रिज सैडल तक होगी. तो हमारी एक तरह से हमने लेंथ को छोटा कर दिया, ठीक है. तो जब आप स्ट्रिंग की लेंथ को छोटा करते हैं तो वो क्विकली वाइब्रेट करता है. सो हमने क्या करा, हम अपने लेफ्ट हैंड से स्ट्रिंग की लेंथ को छोटा या बड़ा कर देंगे. अगर मान लीजिए हमने यहां पे प्ले करा, और अगर हम यहां पे प्ले करेंगे तो अब लेंथ बड़ी हो गई तो ज्यादा तो स्लोली वाइब्रेट होगा, ठीक है. तो लेफ्ट हैंड से हम लेंथ चेंज करके वाइब्रेशन चेंज करते हैं और राइट हैंड से हम स्ट्रिंग को डिसाइड करके वाइब्रेशन चेंज करते हैं. दैट्स बेसिकली व्हाट हैपेंस. अब एक और तरीका है स्ट्रिंग की वाइब्रेशन को चेंज करने का, वो है ट्यूनिंग के थ्रू. तो अगर मान लीजिए आप स्ट्रिंग को टाइट कर देंगे ट्यूनिंग कीज से, अगर आप टाइट कर देंगे तो क्या होगा, स्ट्रिंग ज्यादा वाइब्रेट करेगी कम वाइब्रेट करेगी, ज्यादा वाइब्रेट करेगी, करेक्ट. तो आप अगर स्ट्रिंग्स को टाइट कर देंगे तो बेसिकली जो साउंड होगा वो किस तरह चेंज होगा, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन है वो ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है. लेकिन अगर आप क्रिएटिव प्रोसेस देखेंगे, अगर आप म्यूजिकली देखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम बार बार ट्यूनिंग्स को चेंज करते रहते हैं, ठीक है. तो ट्यूनिंग हम जनरली एक बार सेट कर देते हैं और उसके बाद हम अपने लेफ्ट हैंड से स्ट्रिंग अफेक्टिव लेंथ जो होती है उसको चेंज करके साउंड डिसाइड करते हैं, और राइट हैंड से हम स्ट्रिंग्स कौन सी है, पतली स्ट्रिंग या मोटी स्ट्रिंग है, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमारे को क्या प्ले करना है और किस तरह का हमारा साउंड आएगा, ठीक है. सो आई होप आपको समझ में आ गया कि जो गिटार होता है बोथ अकूस्टिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक या कोई भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो किस तरह से काम करता है. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, क्लैरिटी नहीं आती है तो नीचे मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा. आई विल आंसर देम. एंड या दैट्स प्रीटी मच इट. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेसन. टेक केयर.